हमने 8 और 9 की टेबल करवा दी है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। आपकी बुक में ही दी हुई है 5.1 लाइक दिस। आपने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन जो है वो अपनी बुक में ही करना है, ठीक है। आपने 5.1 जो है आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अपनी बुक में भी करना है और अपनी नोटबुक में भी करना है, ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं राइट द करेक्ट नंबर्स शो द रिपीटेड एडिशंस एज मल्टीप्लिकेशन। ओके, आज हम क्या करेंगे, करेक्ट नंबर लिखेंगे जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आएगा, ठीक है बेटा। हाँ जी, जैसा कि आपकी बुक में दे रखा है वैसे ही आपने अपने सम्स कंप्लीट कर लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमारा फर्स्ट है राइट द करेक्ट नंबर्स, राइट बेटा, क्लियर।
डिफरेंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे सम्स, वैसे वैसे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम हमारे पास 6 दिन है। ओके बेटा, नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 6। अब हमने देखना है कि 6 हमारा कितने टाइम दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 टाइम दे रखा है तो हम 6 लिखते हैं। और क्या दे रखा है? 6, हम 6 की टेबल 6 तक बोलेंगे। जब तक आपको टेबल नहीं आएगी तब तक आप सम्स नहीं कर पाओगे। आपको मैंने पहले भी जब टेबल दौड़ाई थी तो ये बात जरूर बोली थी कि टेबल साथ के साथ ही लर्न होनी चाहिए आपको। तो आप 6 की टेबल 6 तक बोलोगे, 6 बन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36। ओके बेटा, तो बेटे आप अगर 6 को फिर प्लस करोगे 6, फिर प्लस करोगे 6, फिर प्लस करोगे 6, अगेन 6, रिपीट अगेन, आप जितने टाइम भी इसको काउंट करोगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा? 36। आप इसको चाहे अपने फिगर पे काउंट करके देख लेना कि मैम ने सही बताया है या नहीं। ठीक है बेटा, अगर हमारा कितने टाइम दे रखा है और कौन सा नंबर दे रखा है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमारा वही आंसर आता है। सेम डिजिट हमारी चल रही है ऊपर, उसको भी हम जितने टाइम आ रखा है उसको हम अगर क्या करेंगे, काउंट करते जाएंगे तब भी हमारा क्या आएगा? 36। क्लियर बेटा? तो हमारा ये वाला भी कंप्लीट हो गया। जितने सम्स मैं आपको यहाँ करवाऊंगी आपने उतने ही सम्स अपनी नोटबुक में करने हैं, और आपकी बुक में जितने दे रखे हैं वो आपने बुक में ही करने हैं। ठीक है, जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करा रही हूँ ये आपने किस पे करने हैं? अपनी नोटबुक में। और जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो सारे सम्स आपने अपनी बुक में ही करने हैं। क्लियर? वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, वन प्लस वन। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, अब हमने वन देखना है कितने टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने टाइम है? 6 टाइम। क्या है 6 टाइम? 1, 6 वन जा 6, अगर हम 1 प्लस 1 अगेन 1, रिपीट अगेन रिपीट, अगर हम 1 1 काउंट करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 6। क्लियर बेटा? जैसा कि हमारे पास दिया हुआ है 4 प्लस 4, ठीक है बेटे, 1, 2, कितने टाइम दे रखा है? 2 टाइम। क्या दे रखा है? 4। 2 की टेबल हम कहां तक बोलेंगे बेटा? 4 तक। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, 2 थ्री जा 6, 2 फोर जा 8। वेरी गुड, तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा?
एट। अगर हम फोर प्लस फोर करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? एट। क्लियर बेटे? नेक्स्ट है हमारा फाइव क्वेश्चन। टेन प्लस टेन, ठीक है बेटा। अब टेन कितने टाइम दे रखा है? वन टू, कितने टाइम दे रखा है? टू। क्या दे रखा है? टेन। टू टेन जा ट्वेंटी। अगर हम टेन को टेन से प्लस टेन को टेन में ऐड करके प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ट्वेंटी। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। किसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा? ये 5.1 का। 5.1 के आपके फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने फर्स्ट के मैंने आपको कितने करा दिए? हमने आपको करा दिए हैं 5 क्वेश्चन। तो आपने 5 क्वेश्चन कहाँ करने हैं? अपनी नोटबुक में, ओके? और आपने अपनी बुक में कितने करने हैं? जितने हैं, लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपके जितने भी फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हैं वो आपने अपनी बुक में करने हैं। और जो नोटबुक का आपका वर्क है वो फर्स्ट क्वेश्चन के 5 ही आपने पार्ट करने। क्लियर बेटा? आपका मैथ का 8 और 9 की टेबल होगी, वो आपने लर्न करनी है। एक्सरसाइज 5.1 में भी लर्न भी करनी है और रिटर्न भी करनी है बेटा। और आपने एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक में और नोटबुक में कंप्लीट करना है। क्लियर? तो आज का आपका टॉपिक मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट हुआ।